लोकसभा चुनाव 2024 के बाद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में INDIA साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव इस गठबंधन का पहला विधानसभा चुनाव है। इससे पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सभी पार्टियों ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था, वहीं अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव इस गठबंधन के लिए जीतना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो हरियाणा में भी विपक्ष का अच्छा प्रदर्शन नहीं था, वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। तो सवाल है कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव INDIA ब्लॉक के लिए रियल टेस्ट कैसे है और कितना जरूरी है, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सवाल है कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव रियल टेस्ट क्यों और कैसे हैं? तो पहला तो दोनों ही राज्य नेशनल पॉलिटिक्स के लिए अहम है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्य नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार बचाने के लिए सफल रही थी और जब अगर झारखंड में भी नतीजे NDA के पक्ष में जाते हैं तो बिहार चुनाव से पहले ये INDIA ब्लॉक के लिए झटके की तरह होगी। बिहार और हिंदी पट्टी के दूसरे राज्यों में भी विपक्ष गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं में मनोबल पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सूबे के नतीजे भी नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं। दूसरा, दांव पर बीजेपी मोदी को लेकर विपक्ष का नैरेटिव है। हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी 240 सीटें जीतकर अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी। NDA ने बहुमत का आंकड़ा पार किया, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले सीटें घटकर 293 रह गई थी। इसके बाद से ही विपक्ष INDIA ब्लॉक के नेता ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ गिर गया है, PM मोदी के चेहरे का जादू फीका पड़ रहा है। हरियाणा चुनाव नतीजे के बाद अब अगर झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में भी NDA सरकार बनाने में सफल हो जाता है तो ये नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा और सबसे आखिरी में साबित करना होगा कि आम चुनाव का प्रदर्शन तुक्का नहीं बल्कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन अच्छा रहा है। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर INDIA ब्लॉक यानी कांग्रेस और JMM के उम्मीदवार जीते थे। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट्स में से 29 सीट्स पर INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार जीते थे, जबकि एक सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी। INDIA ब्लॉक को इन दोनों राज्यों के चुनाव में ये साबित करना होगा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन का प्रदर्शन तुक्का नहीं था। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब बीजेपी और कांग्रेस नहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA और विपक्षी INDIA ब्लॉक के बीच सीधी फाइट होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शामिल है। वहीं कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों का गठबंधन है। महाराष्ट्र में NDA की ड्राइविंग सीट पर जहां शिंदे की शिवसेना है तो वहीं झारखंड में INDIA ब्लॉक की अगुवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, जिसमें कांग्रेस, RJD और लेफ्ट पार्टियां हैं। INDIA ब्लॉक के सामने लोकसभा चुनाव के बाद इस पहली बड़ी चुनावी फाइट में जीत के साथ दिल्ली और बिहार चुनाव से पहले जीत का मोमेंटम बरकरार रखने की ये चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव INDIA ब्लॉक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में और भी कई राज्यों में चुनाव हैं जो अगर INDIA जीतती है तो उसके लिए मनोबल बढ़ेगा और अगर हारती है तो जो मनोबल है वो टूट जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा चुनाव में इस बार हुआ। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।